एक्साइटिंग लेवल पे सीरीज पहुंच गई थी, दो दो से बराबर था काम, और जो पांचवा मैच था वो हो जाता तो बहुत ही अच्छा था, और जिस तरह का मोमेंटम अभी पकड़ा हुआ था इंडिया ने तो ज्यादा चांसेस वैसे उन्हीं के थे। बेंगलुरु में बारिश है कितने दिन से हो रही है, तो क्या वो पैसे गिन रहे थे बीसीसीआई वाले जो आईपीएल का 50,000 करोड़ है? यार देखे जब ये मिड में चेंज करते हैं, जरा पानी डाल दीजिए प्रोड्यूसर साहब, जब ये मिड में चेंज कर देते हैं वेन्यूज वगैरह, इस मैच को बचाने के लिए ये कहीं और। अच्छा कोई कह रहा जी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। जय दोस्तों, यही हुआ है बेंगलोर में। इतने दिन इंतजार किया, दो मैच लगातार जीते, और अब बारी थी कि सीरीज को नाम करेंगे, लेकिन नहीं। तीन ओवर ही हुए थे, तीसरा ओवर चौथा ओवर चल रहा था, बरसात हुई, इंतजार हुआ, इंतजार खत्म हो गया और मैच भी खत्म हो गया और ट्रॉफी को शेयर कर दिया गया। चलिए देखते हैं, कहने को कुछ ज्यादा नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया से किस प्रकार का रिएक्शन है इस रिजल्ट सेट पर। किरकिरा कर दिया ना फिर बारिश ने, यहाँ पे भी हो रही है बारिश, लेकिन वहां पे नहीं होनी चाहिए थी जहाँ पे हो गई, और वो है बेंगलुरु, और रुक जाती 5-6 घंटे तो मैच शायद हो जाता तो जरा मजेदार काम हो जाता। एनीवेज 2-2 से सीरीज बराबर हो गई है, डिसाइडर मैच था और जो जीता उसी ने सीरीज जीतनी थी ऑब्वियसली, और पांचवा मुसलसल टॉस हारे हैं सीरीज में जनाब ऋषभ पंत साहब। खैर टॉस तो टॉस है, वो तो कोई भी जीत सकता है, उस पर अब क्या कोई किसी को बोले, लेकिन ये विराट कोहली बेचारा अनोखा ही कप्तान था जिसको टॉस पे भी बैशिंग मिलती थी, यार ये टॉस भी नहीं जीतता यार, तो ऐसा हो जाता कभी कभार। एनीवेज जिस तरह का बहुत एक्साइटिंग लेवल पे सीरीज पहुंच गई थी, 2-2 से बराबर था काम, और जो पांचवा मैच था वो हो जाता तो बहुत ही अच्छा था, और जिस तरह का मोमेंटम अभी पकड़ा हुआ था इंडिया ने तो ज्यादा चांसेस वैसे उन्हीं के थे। चलो ठीक है, शुरू में आज आती दो आउट हो गए, लेकिन ऐसा पिछले मैच में भी हुआ था। एंड पे जिस तरह की फॉर्म में हार्दिक पांड्या है, और खास करके डीके जिस तरह की फॉर्म में है वो बड़ी वैल्यूएबल है, और आज खैर मौका ही नहीं मिला उनको अपने जौहर दिखाने का, तो सूरत हाल अब ये है कि सीरीज 2-2 से बराबर होगी। बहरहाल मैन ऑफ द सीरीज है भुवनेश्वर कुमार, बॉलिंग में बात करें तो वो इंडिया के लिए जो 5 बॉलर या 6 बॉलर इन्होंने इस्तेमाल किए थे सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल खैर नजर आए। अबाज खान ने ठीक है 4 आउट किया पिछले मैच में, लेकिन उससे पहले वो काफी फीके से नजर आए, लेकिन अभी भुवनेश्वर कुमार ही वॉज गुड मोस्ट ऑफ द सीरीज, एक मैच में अच्छा नहीं किया, बाकी ठीक है अच्छा है बॉलिंग में वो, और बैटिंग में नन अदर देन डीके। डीके इज द इट्स सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंज टू से फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि वो तो वो जमाने से खेल रहे हैं जब से T20 का आगाज हुआ है, तो वो बहुत अच्छा खेला। बाकी थोड़ी बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के भी, श्रीलंका ने कमाल कर दिया भाई, और टारगेट था बहुत मैसिव, और भाई साहब ने बोला था कि जीतेगा श्रीलंका, और श्रीलंका जो है वो वाकई जीत गया, और बड़ा टोटल था देखो 290-300, ये भी आसान टोटल नहीं होता, लेकिन 9 गेंद पहले आराम सुकून से ही जीत गए, जो कि बहुत ही शानदार बात है। 5 मैच की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना लिया उन्होंने, उस पर ही बात होगी। हाँ जी भाईजान, ये फिर बारिश ऑर्डर नहीं रुकवाई। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, एक मिनट जरा इसको थोड़ी सी मैं तकलीफ दूर कर दूं, क्योंकि मैं सुकून से बोलना चाहता हूँ। सुकून से बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो ट्रॉफी गोज टू रेन, सीरीज डिसाइडर गोज टू रेन, एंड रेन इज द अल्टीमेट विनर, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच। अब यहां सवाल ये उठता है, हाँ जी, कि जनाब रिजवान साहब, अभी मैंने लिखा ट्वीट किया था कि भाईजान इतना शेमफुल है कि इतनी जबरदस्त सीरीज है, टाई डाउन है 2-2, लॉक हॉर्न्स, सीरीज एट स्टेक, और जनाब बेंगलुरु में बारिश है कितने दिन से हो रही है, तो क्या वो पैसे गिन रहे थे बीसीसीआई वाले जो आईपीएल का 50,000 करोड़ है? यार देखे जब ये मिड में चेंज करते हैं, जरा पानी डाल दीजिए प्रोड्यूसर साहब, जब ये मिड में चेंज कर देते हैं वेन्यूज वगैरह, इस मैच को बचाने के लिए ये कहीं और। अच्छा कोई कह रहा जी इंडिया में मानसून चल रहा है, तो 4 मैचों में क्या मानसून कहीं अमरीका गया हुआ था, या मानसून जो है श्रीलंका बांग्लादेश चला गया था, या पाकिस्तान आ गया था? यार देखो इस पे किसी का नहीं है जोर, ये मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन आपके पास अकल है, आपके पास तरीकाकार है, आप उसको चेंज कर सकते थे वेन्यू। तो दोस्तों 28-2 भारत था, ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन 10-15 रनों पर चलते बने, लुंगी नगीडी के हाथों आउट हुए, इस तरह से अर्ली विकेट गिरी, लेकिन अभी मैच सारा ही पड़ा था, कुछ नहीं कहा जा सकता था, अभी तो शुरुआत पर थी। इस रिजल्ट पर आपका कैसा रिएक्शन है कॉमेंट करके बताइएगा, मिलेंगे सुबह, इजाजत, जय हिंद।